एक बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? नॉट एट ऑल सर। देन व्हाई योर पुलिस चोज टू इंटर इन टू द मिड नाइट इन द रेस्ट? रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है, उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है? क्या कानून का राज है? देखिए, लिया आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं, ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? और लॉर्ड्स, दिस हैज बीन सेड बाय द इन्फॉर्मेंट टू समबडी, वी हैव गॉट दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग। आई सर डिनाई दिस सर, आई डिनाई सर, इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे, आपने जो भी किया है वो दिख रहा है। आप जरा एसपी साहब ये बताइए कि एक जो बात आई है रिकॉर्ड पर, कि ये समन या वारंट सर्व करने के क्रम में जो भी घटना घटी सुबह में, तो आपके पुलिस ऑफिसर ने उस समय क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया सुबह में? सर जब घटना हुई सर, तो टेलीफोनिकली सूचित किया एसएचओ ने, बारिश डीपीओ को भी, मुझे भी, एसएसपी साहब को भी सर। इसके बाद में जो सर्किल है, क्योंकि छोटा सा ओपी है सर, तो सुपरविजन सिस्टम में एक सीआई हाथीदा जो है इंस्पेक्टर, 94 बैच के इंस्पेक्टर है सर, तो उनको फिर जांच के लिए वहां भेजा गया कि गंभीर घटना लग रही है, देख कर आइए क्या मामला है। इसलिए सर एफआईआर में डिले हुआ है, फिर जाकर एफआईआर जो है दोपहर में हुआ है सर। तो उन्होंने टेलीफोनिकली फिर बताया कि हाँ सर मैंने देखा है और ये घटना जो है सही है। तो आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में धावा बोला उसने इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुस के, क्या जरूरत थी इसको रात को 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के, कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, वो आप क्या दहशत फैलाने के लिए हैं? नॉट एट ऑल सर। देन व्हाई योर पुलिस चोज टू इंटर इन टू द मिड नाइट इन द रेसिडेंशियल हाउसेस when there was no FIR against them? आपने सुन ही लिया कि 107 का प्रोसीडिंग किस तरह से शुरू करवाया गया, सुन लिया ना आपने? तो आपके पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेस में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां, कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के एफआईआर तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, एफआईआर तो बहुत होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस के एफआईआर होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे आपके ओपी में, देख ही लिया आपने कि सम्मन भी नहीं, प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है, एलिगेशन है कि साहब पुलिस वाले उसी सम्मन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसके वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई रात में, आधी रात को घुस गए आप लोग घर में। क्या आप किसी सभी समाज के आदमी हैं कि नहीं है? है ना सर? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? सर एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री बीएसएफ थी सर, वो इलेक्शन पर्पस से दी गई थी, नियर बाई स्टेशन थी वहाँ पे, राइट। तो उसको इनपुट मिला कि जो कांड में अक्यूज्ड हैं वो घर पे हो सकते हैं, उसने सर रेड किया था, फिर हमें इंटीमेट किया। ठीक है, मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं सर, हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में?
कोई ऐसा कांड होता है, कोई ऐसी बात होती है कि जिसके लिए बिल्कुल नैब करना है, कोई किसी के घर से ना आपको कोई आर्म मिला, ना कोई एक ठो जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था? नहीं था। रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है केस के। हाँ, कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में, इसके लिए रेड करने गए थे आप? और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं। इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं गांव में, छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी। अगर आप रूलर के एसपी हैं सर, तो आपको गांव के समाज के हालत पता होनी चाहिए। सर, इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव, ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ, एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई। हाँ, जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नैरेट किया, उसके सून आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, अगर प्ले करने के लिए परमिशन देंगे हम प्ले भी करना चाहेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद में सर वहाँ पे थाने, वहाँ पे ओपी पे लोग आए सर, वहाँ पे मैन हैंडलिंग वगैरह की गई थी सर। फिर एक सीआई साहब को जब हम लोगों ने भेजा सर, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है। तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 तो आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का आक्रोश था, कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है, क्या है वो है, आपने देखी लिया किस तरह से एसडीएम साहब ने समन और वारंट कर दिया, क्योंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये आक्रोश किया और उसमें विरोध हुआ, तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी। उसमें गांव के 10 लोगों को समाज में, जो आपकी सिविल सोसाइटी है, वो किस चीज के लिए है? आप दुर्गा पूजा में मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, आप क्या गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में, ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है, उसको अरेस्ट कर लेते आप, दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते, लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थी, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? एडमिटेड पोजीशन है कि आप रात को 1:30 बजे घुसे हैं? आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंडक्ट को? मान लिया पुलिस के ऊपर आक्रोश था लोगों का, लोगों का आक्रोश हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोश हुआ तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता है। दे वर नॉट टेररिस्ट, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? सर एक का है सर। एक का है तो आप उसको आप उसको पकड़ लेते, उसको अरेस्ट करके ले जाते। अगर एक का क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपके पास कोई वारंट था उसका? नहीं, वारंट नहीं है सर। तब फिर आप क्या करते? थाने पर जो अटैक है सर, उसमें जो व्यक्ति, भाई एक का हमने देखा है, एक का किसी का, वो चोरी वाला केस है सर, एक जो चोरी वाला केस है दूसरे पुलिस स्टेशन का सर, बरौनी का है सर, बरौनी का है। तो आप तो कानून जानते हैं कि दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है, अगर उस केस में उसका अरेस्ट वारंट होता, वो अरेस्ट वारंट वहां से इंडोर्स होकर के कोर्ट से पुलिस ऑफिसर आता आपके यहाँ उस थाना में, वहां से आप डेप्यूट करते किसी को, उसके अरेस्ट की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आप कर रहे हैं कि उसका भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। सर एक सबमिशन है सर कि ये जो 107 की प्रोसीडिंग की जो एस्पेक्ट सामने आए हैं सर, उस समय तक ये नहीं थे सामने में सर। दूसरा की जो हम लोगों की जो भी रेड, एक चीज बताइए सर, क्यों नहीं थे उस समय तक आपके सामने? आप और एसडीएम साहब, आप ही दोनों पर जिम्मेवारी थी ना कानून को समझने की। एसडीपीओ है लोकली वहां पे सर, एसडीपीओ बार, एसडीएम बार, जो भी है सर, तो एसडीपीओ बार या एसडीएम बार सर, इन्हीं की जिम्मेवारी है ना सेक्शन 107 सीआरपीसी पढ़ने की सर। अगर इन्होंने नहीं पढ़ा और गलत कार्रवाई की,
तो ये एस्पेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को, क्यों इसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ा लोगों को, और ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें, यहाँ सेक्शन पढ़वा रहे हैं, आपके एसडीएम साहब ने एडमिट किया ना अभी, इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी, तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है, क्या कानून का राज है? देखिए ऐसा कहीं हो सकता है? नैतिकता के तौर पर कानूनन तो छोड़ दीजिए, ही इज इनकैपेसिटेटेड टू रिमेन एसडीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द प्लेस सब डिवीजन। जो व्यक्ति कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक प्रोविजन को, उसको क्या अधिकार है उस पद पर रहने का? और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी, थाने पे अटैक हुआ था, बहुत बड़ी चीज थी, आपका एफआईआर सामने है, आपके एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीण वहां कोई हथियार के साथ था, लाठी के साथ है सर। सुन लीजिए जरा सर, कुछ नहीं कहता है कि किसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर। सर एक बार वीडियो देख लिया जाएगा, मेरे पास पेन ड्राइव है। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं, और एफआईआर तो सामने है ना सर, एफआईआर जरा निकालिए ना। लेट अस टॉक टू दी 26 मैनर्स पेज 26। पढ़िए सर, सेवा दीपक में कुमार पढ़िए आप। महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद बिहारी सिंह वर्तमान में समयगढ़ ओपी में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 28/10/22 को समय करीब 8:15 बजे महाल चौकीदार 12/7 रामबालक पासवान एवं जिला बल के सिपाही 3607 मिथिलेश कुमार सिपाही 4178 अरशद अयूब अंसारी के साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 के अंतर्गत धारा 107 दंड संहिता का अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अभियुक्त छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह साकिन सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना के घर गए थे। वहां उपस्थित स्थानीय ग्रामीण दीपक सिंह उम्र 45 वर्ष संतोष सिंह उम्र 40 वर्ष दोनों पिता राम प्रवेश सिंह हर्ष कुमार सिंह सूरज सिंह उम्र 24 वर्ष दोनों पिता मोती सिंह छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह सभी साकिनान सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना एकराय होकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुए लप्पड़ थप्पड़ एवं फैट मुक्का से मारपीट करते हुए दीपक कुमार एवं संतोष कुमार दोनों पिता राम प्रवेश सिंह जान मारने की नीयत से मेरा गला दबाने लगा, जिससे कुछ देर के लिए मेरा सांस रुक गया। तब साथ के बल के सहयोग से मुझे बचाया गया तो हम लोग अपना जान बचाकर वापस ओपी आए तो उप सभी लोग एवं उनके सहयोगी में चिक्कू सिंह और संजीव कुमार पिता स्वर्गीय कृष्ण बिहारी सिंह अजीत कुमार सिंह पिता मुनेश्वर प्रसाद सिंह बाल गोविंद सिंह पिता विपिन कुमार सिंह मनीष कुमार पिता कमलेश कुमार और शिशु सिंह सभी साकिनान सामियागढ़ सोनू सिंह पिता स्वर्गीय साचो सिंह सचिनान सिंह साकिन सिरसी अभी थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना एवं स्थानीय एक ही जाति के 30-35 अज्ञात। देखिए जरा क्या भाषा है आपके इन्फॉर्मेंट का, अज्ञात स्थानीय एक ही जाति के हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए, उक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बल कल कम रहने के कारण उक्त सभी व्यक्ति धमकी देते हुए भाग गए। भाग गए, धमकी देते हुए भाग गए। जिनको ओपी में लगे सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोग एवं चौकीदार के माध्यम से पहचान किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके एफआईआर से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी। फिर से पढ़ लीजिए सर। हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए आए और
गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। ठीक है, वे उपी पड़ी तो घटित हुई सर। अभद्र व्यवहार किए, अभद्र व्यवहार किए, कोई वहां पर कोई लाठी चलाने की बात, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना। अभी प्राइम ऑफिसर FIR पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग एनी ओपिनियन ऑन इट। अभद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार तो मैं ऐसा भाषा है कि जो कहीं भी कुछ थोड़ा बोल दिया तो कह सकते हैं कि साहब बड़ा अभद्र तरीके से बोल रहा है। तो गांव में अगर, गांव की भाषा में अगर आप बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अभद्र लगेगा, लेकिन वहां पर कोई भी ओपी पर मारपीट की बात नहीं हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कहीं ये नहीं हो रही कि कोई व्यक्ति लाठी के साथ लैस थे। कोई, रुक जाइए जरा सा, सुन लीजिए पहले FIR के सामने, वो बाद में बात सर। ये जो चीज है FIR में क्या कह रहे हैं, किसी के हाथ में न कोई लाठी है सर, न कोई हथियार है सर, न कोई लाठी चला रहा है सर। ठीक है, ये कहते हैं कि भाग गए वो लोग, तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड़ नहीं सके, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए वहां से सर। ठीक है ना सर। सर और इसकी भाषा जरा देखा है आपने, स्थानीय एक ही जाति के, क्या जरूरत थी ये लिखने की? ये मिस्टेक है सर, मिस्टेक नहीं है, नहीं लिखा जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं है ये। दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द FIR, दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड। उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो ये FIR लॉन्च कर रहा था, अब जरा सा मुझे ये बताइए कि 8:15 की ये घटना है सुबह की, आपके मोबाइल पर कोई इंफॉर्मेशन है इसके रिस्पेक्ट में? कॉल आया था सर, कॉल आया था, कॉल आया था सर। कितने बजे कॉल आया था जी? याद नहीं है सर, सुबह ही कॉल आया था। याद नहीं है ना, कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर। कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है? नहीं सर, कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया था सर। कोई मेल नहीं है? नहीं सर, मेल। ठीक है, तो अब आप ये बताइए SP साहब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं सर, मैंने जिसके लिए रात को 1 बजे घर में घुसना हो किसी के, तो क्या पुलिस फोर्स भेजने के पहले आपको ये राइटिंग में कुछ पोजीशन भी नहीं मांगेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ? सबमिशन है सर। हाँ सर, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पे अटैक हुआ था सर, बहुत बड़ी घटना। मैंने वर्ड तो थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका FIR तो नहीं कह रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था सर? FIR में OP आए और वहां पे व्यवहार किया, और जो फुटेज है सर वो थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? ये आप वर्ड्स इसमें कहां से डालेंगे सर? ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? जो कंप्लेनेंट है सर वो ASI है, सिपाही से प्रमोट होकर अफसर बने हैं सर। तो और जो उनको समझ में आया सर उस समय, ये उस समय ड्राफ्ट मैंने देख के नहीं कराया। ठीक है, आवेदन दिया सर। ठीक है, मान लिया, मान लिया आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं सर, ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं सर, हम लोगों को पीछा करते हुए OP पर आए और गाली गलौज रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए सर। अटैक का मतलब क्या होता है? ये घटना जो है एक ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ गाँव में सर, और उसके बाद लोग पीछे से आए और ऐसे हमारे साथ गाली गलौज किए सर, और फिर वो लोग भाग भी गए। तो इसकी सत्यता तो जांच होगी बाद में। यस सर। लेकिन अटैक हुआ थाना पर, ये कैसे आप अटैक ऐसे ही होता है क्या? पर वर्ड यूज नहीं है इसमें। तब सर तो क्यों आप रीड करने लगते हैं जो चीज वर्ड नहीं है? और दूसरा, आपको कोई सूचना नहीं है राइटिंग में, आपको इसके विषय में कोई सूचना नहीं है, FIR क्यों नहीं हुआ उस समय? सर मैंने CI जो हाथीदा गए थे सर, हाँ तो भेजा गया था हाँ कि वहाँ पे चूंकि सब इंस्पेक्टर का OP चार्ज सब इंस्पेक्टर है सर, हाँ तो एज ए लेयर की भाई एक बार जाकर। आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है SP साहब इस घटना के बारे में? सर मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मुझे पूछना, मेरे पास नहीं, नहीं है। आपके पास, आपके पास नहीं है, अब आप रिवर्ट बैक क्या करेंगे? आज भी आपके काउंटर एफिडेविट में कहीं कुछ नहीं है सर। है मिस्टर दीपक कुमार?
नहीं, हम लोग तो हम लोग सीधे हम लोग कह दिए हैं कि अब इसको जो था कि इसको सीआईडी को सीआईडी को तो ठीक है, सीआईडी तो आप एग्री कर गए हैं, उसको हम भेज दे रहे हैं। इसलिए मेरिट पे जो जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरिट पे कुछ नहीं, हम इनको जरा ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का कंडक्ट पुलिस ने क्यों किया। अगर मान लीजिए ठीक है, आप कहते हैं कि बड़ी घटना नहीं, छोटी घटना नहीं थी, ये लोग गए थे, तो आपकी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं वहां आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ करके इसको आप निपटाते? सर जो वन ऑफ दी इसमें जो एक्यूज्ड है वो सरपंच के पति हैं सर। मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूं, ना मैं जानना चाहता हूं कौन किसके पति हैं। नहीं सर, सर इसमें सर जो वहां की सिचुएशन जो एससीआई साहब ने एसएचओ साहब ने बताई थी कि गांव में काफी टेंशन है और थाने पर इस तरह से उन्होंने किया था सर, तो फिर एफआईआर दर्ज हो के गांव में टेंशन हुआ है, अगर ऐसा रिपोर्ट था आपको सर तो आप वहां डिप्यूट करते ना, एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग करते। आपने इतना मतलब योर एक्शन इज नॉट एट ऑल कॉमेंसुरेट टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय यू। एसडीएम साहब ने गलत ऑर्डर किया, एक गलत स्रोत ही पैदा हुआ और वहां से लेकर के आपने उसको इतनी बड़ी घटना में परिणति दे दी इसकी। यस बोलिए, सीआईडी को भेज देते हैं इसको। जी अमेलर्ट्स, वी हैव मेड हिम पार्टी बाय नेम फॉर द रीजंस अमेलर्ट mentioned in paragraph 24 of my writ petition. It was he who had instructed your lordship ki 30-35 had been naam dal diya. Or lords, this has been said by the informant to somebody. We have got that audio recording. I sir deny this sir. I deny sir. इस तरह हम लोग कभी नहीं बोलते हैं सर। जो घटना होती है अगर तरह आपने क्या किया है ये दिख रहा है मुझे। आपने जो भी किया है वो दिख रहा है कि आपने एसडीएम ने कानून को अलग रख करके समन एंड वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया लिख करके, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए। सर वो लोकली वही स्टेशन थे सर, मैंने कहीं से नहीं भेजा था सर, वो एसएचओ ने रिक्विजिशन करके रेड कराई थी सर। रिक्विजिशन हुआ था ना, लाइन से नहीं भेजा था सर। ठीक है, रिक्विजिशन हुआ था ना, बुलाया था एसएचओ ने सर उनको, बुलाया एसएचओ ने बुलाया था सर। अब वो एसएचओ ने बिना आपसे परमिशन का बुलाया था सर, रेड के बाद में इंटीमेट किया, हमने कहा था कि सर इसमें एफआईआर करिए। एक मिनट, रेड के बाद इंटीमेट किया आपको? उसके पहले सर जब ये इसका मतलब है कि रेड करने के पहले आपसे आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, दिन की बात है सर, मैं सबमिट करना चाहूंगा। हाँ। दिन की बात है जब सीआई साहब ने बताया कि हाँ सर घटना सही है, तो हमने यही कहा कि ठीक है इस पर एफआईआर दर्ज कराइए, जो फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें किया जाएगा। ठीक है सर, ये बात हुई थी। हमने सर पार्टिकुलरली बीएसएफ को बुलाना या लाइन से फोर्स देना या इतने बजे जाके रेड करो जैसा सर हमको कह रहे हैं सर, ऐसा हम का मतलब है कि रेड की कार्रवाई के लिए आपने नहीं दिया था ना? नहीं, मैंने परमिशन दिया है सर, मैंने अपनी तरफ से। तो रेड की कार्रवाई की परमिशन आपसे नहीं ली गई थी? हमसे पूछ के रेड नहीं किया गया कि रेड करना है। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार सर। तो आपके एसएचओ ने सर खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेड करना है? दिन में सर सबमिशन ये है कि जब ये घटना जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें लीजिएगा। वेरी गुड। और इसमें मैंने ये कहा था कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरा था सर कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप एसडीपीओ लेवल पे, क्योंकि बाढ़ में सर ग्रामीण इलाका है, टाल टाइप के एरिया में है, हमने कहा था फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोकल एसडीपीओ साहब या हमसे आप कह दीजिएगा, लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे, नहीं तो नियर बाई बीएसएफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सर हम लोग इस तरह से बात हुई सर। तो फिर बात वहीं अटक गई, फिर मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ सर, आपसे कोई बात नहीं हुई एसएचओ की कि साहब हम घर में रेड करेंगे रात को 1 बजे रेड करेंगे? सर इस तरह नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, स्पेसिफिक नहीं बात हुई कितने बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो रेड किया गया रात को मिडनाइट, इट वॉज विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एसपी रूलर? रात के रेट की सर ऐसी जानकारी नहीं ली, सीधा हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, नहीं इस तरह। सो इट वाज डन विदाउट योर परमिशन? इट वाज डन, द रेट वाज कंडक्टेड इन द हाउस इन द मिडनाइट विदाउट योर परमिशन? मिडनाइट में परमिशन हमने दिए थे सर। ठीक,
एसएचओ का हुआ अपीयर किया है, फाइल कर दिया काउंटर जी, हु इज अपीयरिंग फॉर द एसएचओ एंड मिस्टर सुधीर आई एम अपीयरिंग फॉर द इन्फॉर्मेंट योर लॉर्ड ऑल राइट यू आर्गू योर मैटर ठीक है आपका स्टेटमेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा आई एम गोइंग टू पास फाइनल ऑर्डर टुडे यस बोलिए एक्चुअली आई वुड लाइक टू क्या ये देखा जाएगा क्या हाँ देखेंगे उसको भी देखेंगे वी हैव आल्सो गॉट द ऑडियो रिकॉर्डिंग बाय व्हिच इन्फॉर्मेंट हैज सेड दैट एसपी रूरल ही हैड सेड कि 30-35 आदमी का नाम डाल दीजिए आप भी लाए हैं इन अदर ऑडियो योर लॉर्डशिप आप भी लाए हैं ना जी ठीक